हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट दीपा और स्वागत है आपका डिग्री किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं महाशिवरात्रि स्पेशल कोकोनट की बर्फी कैसे बनाते हैं। इस डिलीशियस नारियल की बर्फी को घर में बनाना बहुत ही आसान है और आप ये व्रत में भी खा सकते हो। तो आज के महाशिवरात्रि के दिन इस बर्फी को आप घर पर ज़रूर ट्राई करके देखिए। पहले हम कढ़ाई को गैस के ऊपर रखकर इसमें एक चम्मच घी ऐड करेंगे और घी को अच्छे से मेल्ट करेंगे। घी यहाँ पे अच्छे से मेल्ट हो चुका है, तो यहाँ पे मैंने लिया है ये दो नारियल। फ्रेश नारियल हमें लेना है और इसको मैंने मिक्सी में बारीक कर लिया है। इस कद्दूकस किए हुए नारियल को हमें घी में अच्छे से भून लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो नारियल लिए हैं, बिल्कुल फ्रेश है, और इसको मैंने मिक्सी में इस तरह से बारीक कर लिया है। यहाँ पे मैंने आधा किलो मावा ऐड किया है, जिसको खवा भी बोलते हैं। तो इस मावे में मैंने एक बाउल शक्कर ऐड की है, तो यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा शक्कर ऐड नहीं करने वाली हूँ। इसमें मैंने मावा ही यूज़ किया है और मावे में ही मैं ये बर्फी बनाने वाली हूँ। और मावे में मैंने एक बाउल शक्कर ऐड की है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिए, मैंने इस मावे में ही शक्कर ऐड की थी। तो अच्छे से मिक्स करेंगे इस मावे को कोकोनट के साथ। वैसे ही हमने कद्दूकस के लिए नारियल में मावा ऐड किया है, तो उसमें पानी छूटना चालू हो चुका है, तो इस पानी को हमें रिड्यूस कर लेना है। इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है, जो कि ग्रीन कलर का है। अगर आप व्रत में नहीं खाते हो फूड कलर, तो उसको स्किप कर सकते हो। मिश्रण में से सारा पानी रिड्यूस हो चुका था, तो यहाँ पर मैंने इस प्लेट में इसको बर्फी का शेप दे दिया है। प्लेट को हमें पहले थोड़ा सा घी लगा लेना है। इस मिश्रण को अब हम फ्रिज में सेट होने के लिए आधे घंटे के लिए रख देंगे। उसके बाद मैं आपको सर्व करने के हिसाब से दिखा लेती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे महाशिवरात्रि स्पेशल नारियल की बर्फी बनकर तैयार है। तो आज के दिन इस बर्फी को आप घर पे ज़रूर ट्राई करें और इस व्रत में आप इसको ज़रूर खा सकते हो। और अपने फीडबैक मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बर्फी आपकी कैसी बनी थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आज की ये नारियल की बर्फी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें और ये रेसिपी अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, खुश रहिए और मोस्ट इम्पोर्टेंट खाते रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।